वेलकम दोस्तों, रिलैक्स स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनडीए फर्स्ट 2019 जो आपका एग्ज़ाम 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों को इसका वेट था और काफ़ी बार बार पूछ रहे थे रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों आज इसका रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल इसका मिल जाएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे डाउट्स भी होते हैं, एसएसबी का डेट कब आएगा, इसमें रोल नंबर है या रोल नंबर वाइज देखें या नेम वाइज, तो मैं डायरेक्ट आपको इसका पीडीएफ दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें पीडीएफ में पहले ये जान लेते हैं, जैसे आपको 21 अप्रैल 2019 का आपका एग्ज़ाम हुआ था, कैंडिडेट अंदर मेंशन रोल नंबर है क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है दोस्तों, आपका एसएसबी होगा। और एसएसबी दोस्तों कौन से कोर्स के लिए होगा वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें कोर्स कौन सा आपका कोर्स, दोस्तों इसमें है जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर एयरफोर्स आर्मी नेवी के लिए इसमें सिलेक्शन डायरेक्ट 140 कोर्स एंड 105 इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स, ठीक है दोस्तों। कमेंसिंग कब है दोस्तों, ये 2 जनवरी 2020 से होगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट ईयर, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आपको इसमें जो एसएसबी क्लियर होगा, आपका मेडिकल क्लियर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अभी आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो आपका अभी नेक्स्ट जो है एसएसबी है, ठीक है दोस्तों। 5 डेज एसएसबी प्रोसीजर भी दोस्तों बताऊंगा मैं आपको, उसमें मेरे इसमें वीडियो चैनल में यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है वीडियोज़ काफ़ी, जो आपकी पीपीडीटी होता है, आपका टैट होता है, काफ़ी अलग वीडियो है, मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बने हैं, तो दोस्तों आप वहाँ से जाके डायरेक्ट उनको देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कैंडिडेचर ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर आर सोन इन द लिस्ट इज़ प्रोविजनल, ठीक है दोस्तों। इन अकॉर्डिंग विद द कंडीशन ऑफ देयर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन टू द इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग वेबसाइट joinindianarmy.nic.in 2 weeks ऑफ द अनाउंसमेंट, मतलब आज रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ है तो आप इसके 2 हफ्ते के अंदर इसमें आपको रजिस्टर करना है। और दोस्तों, रजिस्टर करने के बाद आपका जो लॉगिन है, लॉगिन होने के बाद आपको ईमेल आईडी और जो अभी डाटा दोगे उस पर आपको डायरेक्ट जो एसएसबी डेटा है वो कोलेटर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट आल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू रेस्पेक्टिव सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ड्यूरिंग द एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ लेके जाने दोस्तों, और वही आपको वहाँ पर सबमिट करना है। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो नीचे टेलीफोन नंबर दिया हुआ है 0112338571, और बाकी भी 2 नंबर और दिए हैं, 10 बजे से लेकर आप शाम को 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मार्कशीट ऑफ द कैंडिडेट विल बी पुट ऑन द कमीशन वेबसाइट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। आफ्टर इंक्लूडिंग एसएसबी इंटरव्यू एंड विल रिमेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज, मार्कशीट जो आपका है ये बता रहे हैं कि वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और वहीं से 30 दिन तक रिमेन पीरियड में वहीं रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको देखना है रोल नंबर वाइज तो आप डायरेक्ट क्या करें, कंट्रोल एफ दबा के आप डायरेक्ट अपने रोल नंबर के हिसाब से अपना नाम देख सकते हैं, और नाम देख सकते हैं और अपना रोल नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हुए कि नहीं हो। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें डाउट जो आता है वो ये आता है कि जैसे कि हम क्वेश्चन कम करके आए, हम जैसे कट ऑफ से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होंगे, तो दोस्तों आपके पास एसएसबी के अंदर भी मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और एसएसबी में चाहूँगा कि आप अभी से तैयारी कीजिए। पीपीडीटी और टेट की जो है स्टोरी मैंने बनाई है ऑलरेडी, उन पर आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और वहाँ से आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आपने रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है तो आप आगे भी मतलब स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आप आगे भी अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर रिटन एग्ज़ाम में कम है। तो आप वीडियो वो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा टेट स्टोरी के बारे में, और उनमें सारी ओएलक्यू और सब कुछ मेरा बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और बताना चाहूँगा दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।